subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone. Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone. Hello dear students, welcome to another lesson by Home Academy. So in this video we will discuss mathematics topic average. आज की वीडियो में हम एवरेज के बारे में पढ़ेंगे. आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन एंड माय एफर्ट्स विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्सक्राइब होम एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो व्हेनेवर वी अपलोड. अभी तक हम जो है आपके सिलेबस के रिलेटेड 13 वीडियोज जो है वो अपलोड कर चुके हैं. ये आपकी वीडियो नंबर जो है वो 14 है. हम जो है हर दिन जो है एक नई वीडियो आपको देते हैं, एक से ज्यादा भी दे सकते हैं, बट आपका सिलेबस जो है बहुत कम है. जितना देते हैं इसी की प्रैक्टिस कीजिए, इतना सफिशिएंट है. अभी आपके पास टाइम भी बहुत है. तो आज की वीडियो में हम एवरेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो उनके लिए, वो हमारे चैनल पर नए हैं तो उनके लिए मैं बता दूँ कि हम JKSSB के लिए जो है वीडियोज अपलोड कर रहे हैं. अभी तक हमने 13 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं. हम मैथमेटिक्स का पोर्शन में क्या क्या हमने अपलोड किया है, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, मेंसुरेशन है, प्रॉब्लम ऑन एजेस है, एलसीएम और एससीएल है, और आज हम एवरेज की वीडियो जो है वो अपलोड कर रहे हैं. ऑलमोस्ट हर कोई टॉपिक जो है आपके सिलेबस का वो टच कर लिया है. तो एवरेज के बारे में हम पढ़ते हैं. एवरेज क्या होता है? मैथमेटिक्स का आपका टॉपिक है एवरेज, और इससे रिलेटेड जो है आपके 3 से 4 क्वेश्चन इजिली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. बहुत ही ईजी टॉपिक है, और ये ऐसा टॉपिक है जहां पर आप जो है शॉर्टकट ट्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं. एवरेज क्या होता है? एवरेज इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपको याद रहना चाहिए जो एवरेज जो है वो क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है. किस चीज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है? फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन लिख दी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन होती है, और इन्हीं ऑब्जर्वेशन को अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से दिखाना चाहेंगे तो इनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि हमने जब इसकी एवरेज निकाली वो 4 होगी. कैसे निकालते हैं अभी आपको हम नीचे सिखाएंगे. तो एवरेज जो होता है एन इफेक्टिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एंटायर ग्रुप बाय अ सिंगल वैल्यू. हमारे पास एक इफेक्टिव वे होता है जिससे हम एक एंटायर ग्रुप को जो है रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सिंगल वैल्यू से. जैसे कि ये हमारे पास जो था वो एक एंटायर ग्रुप था, पूरा का पूरा एक ग्रुप था, और इस ग्रुप को हमने एक सिंगल वैल्यू से जो है वो क्या कर दिया, हमने रिप्रेजेंट कर दिया. तो ये होता है एवरेज. मैथमेटिकली अगर मैं बात करता हूँ एवरेज की क्या होती है, ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. जितनी भी हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है इनका सम कर लेना, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और जितनी भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड कर लेना. फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब, सम का मतलब होता है ऐड करना. तो इन सारों को हमने ऐड करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, जैसे कि हमने यहाँ पर ऐड किया, और इनको डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑब्जर्वेशन है, तो 7 से डिवाइड कर दिया. तो हमने देखा 22/8 / 7 जो होगा वो कितना आ गया, 4 आ गया. तो ये जो है हमने इसकी एवरेज निकाल दी. तो एवरेज क्या होता है? एवरेज इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है एन इफेक्टिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एंटायर ग्रुप बाय सिंगल वैल्यू. तो अब आप डेफिनेशन समझ गए कि एक एंटायर रिप्रेजेंट करना होता है किसी भी बड़े ग्रुप को एक सिंगल वैल्यू से, जैसे कि हमने यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट किया. तो ये मीनिंग है एवरेज का. तो आप यहाँ पर समझे, एवरेज जो होती है वो मीन वैल्यू होती है. इसकी हमने मीन वैल्यू निकाली तो ये एवरेज है, नॉट द मिडल वैल्यू. अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर जो 4 होती है ये इसकी मिडल वैल्यू भी है, बट एवरेज जो होती है वो मिडल वैल्यू नहीं होती, वो क्या होती है, वो मीन वैल्यू होती है. लेकिन एवरेज जो है किसी भी केस में जो है मिडल वैल्यू हो सकती है, ठीक है. वो कैसे? जैसा कि यहाँ पर हमने सक्सेसिव लिए थे, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो थी सक्सेसिव ली थी, तो इस केस में जो है एवरेज जो है मिडल वैल्यू भी हो सकती है. तो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ सक्सेसिव वैल्यू एवरेज इज मिडल वैल्यू. सक्सेसिव क्या होता है? जो एक के बाद एक लगातार आ रहा होगा बिना किसी गैप के. जैसे 1 से 7 गए हम, यहाँ पर कोई भी नंबर मिस नहीं है, तो ये सक्सेसिव है. तो सक्सेसिव के केस में एवरेज मिडल हो सकती है. तो ये आपका जो था बेसिकली जो है वो डेफिनेशन थी किसकी, एवरेज की.
अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के आते हैं, आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिंपली आपको जो है एवरेज निकालने के लिए दिया जाएगा, किसी भी ऑब्जर्वेशन की एवरेज जो है वो निकालनी होगी। आपको एवरेज कॉन्स्टेंट पे दिया जाता है, एवरेज इंक्रीज पे दिया जाता है, या एवरेज डिक्रीज पे दिया जाता है। इनका मीनिंग अभी हम समझ लेंगे। और एक और टाइप रहती है वो वेटेड एवरेज होता है, और एक टाइप होती है डिफेक्टिव एवरेज होता है। मतलब हमें किसी का क्लास है, किसी क्लास के हमें जो है किसी क्लास में स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट्स की जो एवरेज वेट है वो 50 kg है, बट हमने किसी भी स्टूडेंट का जो है वो वेट गलत काउंट कर लिया और बाद में पता चला कि हमने गलत काउंट किया था, तो अब एवरेज कितनी होगी, तो वो एक डिफेक्टिव वेट होता है। तो वो वैसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सिंपल क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे और बेसिक लेवल से हम एक अच्छे लेवल पर जाएंगे, और लास्ट में हम बैंकिंग के भी क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्व करेंगे। तो एवरेज कॉन्स्टेंट का मीनिंग समझते हैं। देखिए, इफ द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट जो है वो कितनी है, 20 ईयर। हमारे पास लेट अस सपोज 20 स्टूडेंट है और उनकी एवरेज एज कितनी है, 20 ईयर्स है, ठीक है। एंड वी एड अनदर स्टूडेंट, अब हम 20 की जगह जो है एक स्टूडेंट को ऐड करके 21 स्टूडेंट बना लिए। अब ये जो 21th स्टूडेंट है और इसकी एवरेज भी जो है वो कितनी है, 20 की ही है, तो मतलब जो टोटल एवरेज होगी वो फिर से आपकी जो कितनी रहेगी, वो 20 ईयर्स ही होगी। अगर हमने इसमें एक स्टूडेंट जो ऐड किया उसकी भी जो है वो सेम एज है, तो यहाँ पर जो है 21 स्टूडेंट की भी 20 ही एवरेज रहेगी। तो ये होता है एवरेज कॉन्स्टेंट का मतलब। अब एवरेज इंक्रीज का देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है, चलिए 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, 5 स्टूडेंट है हमारे पास, और 5 स्टूडेंट की जो एवरेज एज है बच्चों कितनी है, 10 ईयर्स है। अब हमने इसमें एक और प्लस कर दिया स्टूडेंट, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट जो बन गए बच्चों वो 6 स्टूडेंट बन गए। अब जो 6 स्टूडेंट है, अब जो हमने स्टूडेंट ऐड किया उसकी एज जो थी वो 15 ईयर थी, मतलब इस एवरेज से ज़्यादा थी। मतलब एवरेज से जब ज़्यादा हमने ऐड किया तो एवरेज भी इंक्रीज होगी। तो अब जो स्टूडेंट बन गए, 5 का जो है कितने हो गया, 5 × 10 हो गया, 50 थी। अब जो स्टूडेंट हमने ऐड किया उसकी 15 थी, तो कितना हो गया, ये 65 हो गया। और ये डिवाइडेड बाई हम 6 करेंगे तो ये तकरीबन जो है हमारे पास 10.99 आएगा। तो मतलब जो पहले 10 थी, अब एवरेज कितनी हो गई, इंक्रीज हो गई, 10.99 हो गई। तो हमने देखा जब हमारे पास एवरेज थी 5 स्टूडेंट की 10, मतलब हर किसी जो भी 5 स्टूडेंट थे हर किसी का वेट जो था, वेट की जो एवरेज थी वो 10 10 करके थी। तो हमने देखा 5 स्टूडेंट की जो टोटल होगी वो कितनी होगी, 50 होगी। लेकिन अगर हम इसमें एक और स्टूडेंट को ऐड कर देते हैं, 6th स्टूडेंट, उस मगर उस स्टूडेंट की एज जो है वो 10 नहीं है, वो कितनी है, 15 है। तो अब जो हमारी नई एवरेज बनेगी वो कितनी होगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारे पास यहीं पर 5 स्टूडेंट हैं, उनकी एवरेज जो है बच्चों वो 10 ईयर्स है, अब हम इसमें जो है एक और स्टूडेंट जो है वो ऐड कर लेंगे, मगर इस स्टूडेंट की एवरेज एज जो होगी वो 10 ईयर से कम होगी। तो हम यहाँ पर जो है 10 ईयर से कम ले सकते हैं इसको, 8 ईयर्स ले लिया। तो अब जो 6 स्टूडेंट बने इसको मिलाकर उनकी जो एवरेज होगी वो कितनी होगी, 58/6 होगी। और जब 58/6 हम करेंगे वो कितना होगा, वो होगा 9.6 ईयर्स होगा। तो हमने ये देखा जो यहाँ पर होगी एवरेज डिक्रीज हो गई, जो 10 थी 10 से यहाँ पर डिक्रीज हो गई, कितनी आ गई, 9 पॉइंट जो है वो 6 आ गई। तो ये जो था, एवरेज कॉन्स्टेंट भी रह सकती है, एवरेज इंक्रीज भी होती है, एवरेज डिक्रीज भी होती है, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी की बेसिस पे हम एक बात जो है वो लिख सकते हैं, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा इज इंक्रीज और डिक्रीज बाई ए फिक्स्ड क्वांटिटी, देन दियर एवरेज ऑल्सो इंक्रीजेस एंड दियर एवरेज ऑल्सो डिक्रीजेस। अगर एवरेज में इंक्रीज होता है तो एवरेज भी इंक्रीज होगी, और अगर डेटा में डिक्रीज होता है तो एवरेज भी डिक्रीज होगी बाय द सेम क्वांटिटी। तो होपफुली जो है इतना जो है आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है पहले ट्राई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, सम ऑफ 5 सक्सेसिव नंबर इज 250, 5 सक्सेसिव नंबर है जिनका सम 250 है, फाइंड ऑल द 5 नंबर। तो हमें क्या पूछा गया है, 5 नंबर वो कौन कौन से वो हमें बताने हैं। तो पहले मीनिंग क्या है, सम ऑफ सक्सेसिव नंबर क्या होते हैं, जो एक के बाद एक नंबर आए। तो 5 नंबर है टोटल और सम जो है उनका कितना है, 250। हमें एवरेज का फार्मूला पता है, एवरेज क्या होता है, सम
ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो सम ऑफ नंबर कितना दिया गया है 250 दिया गया है और टोटल नंबर कितने हैं 5 है, तो मतलब एवरेज जो होगी वो 50 होगी। और हमने ये भी आपको बोला जो सक्सेसफुल नंबर होते हैं उस केस में जो एवरेज होती है वो मिडिल नंबर होती है, तो सक्सेसफुल है मतलब 50 का जो सक्सेसफुल होगा वो कितना होगा 51 होगा, 51 का सक्सेसफुल कितना होगा 52 होगा, और इससे पीछे जो जाएंगे वो 49 होगा और उससे पीछे जो होगा वो 48 होगा। तो वो पांच नंबर जो पूछे गए हैं वो क्या होंगे 48, 49, 50, 51 एंड 52। क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, हमें पूछा गया था सम ऑफ फाइव सक्सेसफुल नंबर इज 250, गिवन था सम ऑफ नंबर जो था वो कितना था 250, उसकी जगह हमने पुट कर लिया। कितने टोटल नंबर थे 5 नंबर थे, मतलब टोटल नंबर जो थे वो 5 थे। हमें एवरेज का फॉर्मूला पता है, एवरेज होता है सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर, तो सम ऑफ नंबर 250 है डिवाइडेड बाय नंबर करेंगे कितने टोटल नंबर है 5 है, हमारी एवरेज 50 आ जाएगी। बट हमारी एवरेज तो 50 आ गई, बट मैंने आपको कहा था जो सक्सेसिव नंबर होते हैं उसमें जो एवरेज होती है वो मिडिल नंबर होती है, और ऐसे क्या होती है वो मीन होता है सारों का, अर्थमेटिक मीन होता है सारों का। तो ये 50 एवरेज है, तो सक्सेसफुल क्या होगा 50 का 51 होगा, और 51 से पहले क्या होगा 49 होगा, तो वो पांच नंबर जो है वो आपको देख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर लेते हैं, सम ऑफ 6 सक्सेसिव नंबर इज 303, हमें एवरेज का पता है, एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, सम ऑफ 6 सक्सेसिव नंबर इस 303, सम दिया गया है 303 कितने नंबरों का 6 का, और ये सारे नंबर क्या है सक्सेसिव है, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, फाइंड ऑल द वो 6 नंबर है, 5 नहीं होगा 6 नंबर होगा, तो 6 से हम इसे डिवाइड कर लेंगे, 6 5 जब जो होता है वो 30 होता है, ये पॉइंट लग जाएगा इधर, तो 50 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या निकल गई एवरेज निकल गई। अब हमें इसके सक्सेसिव नंबर देख लेने हैं, ये 50.5 था, इसके सक्सेसिव नंबर क्या होंगे, एक 50 होगा, यहाँ पर 51 होगा, यहाँ पर 52 होगा, यहाँ पर 53 होगा, ये 49 होगा और ये 48 होगा, वो 6 नंबर थे वो क्या होंगे ये। अब यहाँ पर जो एवरेज है वो मिडिल नंबर नहीं होगी, क्योंकि ये जो हमारे पास इवन है, तो इवन में जो मिडिल नंबर तो है वो नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है 50.5 जो है एवरेज हो गई, इसका सक्सेसफुल नंबर 51 होगा, 51 का 52 होगा और 52 का 53 होगा, और इसी तरीके से इससे पीछे भी चलेंगे 50, 49 और 40 होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्वेश्चन में दिया गया था सम ऑफ 6 सक्सेसफुल नंबर इज 303, फाइंड ऑल द 6 नंबर, हमारे पास 6 नंबर दिए गए थे और 6 नंबरों का जो सक्सेसफुल सम दिया गया था वो कितना था 303 था। हमें एवरेज का फार्मूला पता है, एवरेज होती है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो कितनी होती है 303, जो कि सम दिया गया है 6 नंबरों का 303 लिख लिया, टोटल नंबर कितने हैं 6 नंबर है, वो कौन से 6 नंबर है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने जब उनकी एवरेज निकाली तो 50.5 आई। अब 50.5 से एक नंबर आगे और एक नंबर पीछे जाएंगे तो कितना आपका 50 और 51 होगा, तो वो 6 नंबर है पूरे 6 नंबर लिख लेंगे 52, 53 होगा, नंबर सक्सेसिव है बी, इसलिए हमें कोई भी गैप नहीं छोड़ना है, लगातार जो 51 के बाद आ रहे हैं वो लिखेंगे और जो 50 से पहले आ रहे हैं, तो हम अपने पूरे 6 नंबर करेंगे और यही वो 6 नंबर है जो कि हमें फाइंड आउट करने थे। क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो अभी ट्राई करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 है सम ऑफ 6 सक्सेसिव नंबर इज 300, 6 सक्सेसिव नंबर का जो सम है 300 है, फाइंड ऑल द 5 नंबर, तो यहाँ पर हमें जो है वो सारे जो है 5 नंबर जो है वो फाइंड आउट करने हैं, तो 5 क्यों 6 नंबर होंगे, 6 के 6 हमें फाइंड आउट करने हैं। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ 6 सक्सेसिव नंबर इज 300, देखिए एवरेज जो है वो कितनी है टोटल नंबर डिवाइडेड बाय 300 हो जाएगा, ये तो ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन बन गया, इसे जरा चेंज कर लेते हैं, सम ऑफ 6 सक्सेसिव नंबर की जगह हम ऑड नंबर कर लेते हैं, सम ऑफ 6 सक्सेसिव
ऑड नंबर कितना दिया गया है, वो 300 दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी चेंजेस कर ली, नहीं तो वो सेम हो जाता। अब यहाँ पर सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर जो है वो कितने हैं, 300 है, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने हैं, 6 है। मतलब जब हम इससे कैंसिल करेंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। बट हमें ये पता जो नंबर है वो क्या है, वो ऑड है, मतलब कोई भी इवन नंबर नहीं है। तो 50 के बाद जो ऑड नंबर होगा 51 होगा, 51 के बाद जो ऑड नंबर होगा वो कितना होगा, 53 होगा, और 53 के बाद जो ऑड नंबर होगा 55 होगा। और इसी तरीके से हम जो है वो पीछे चलेंगे तो कितना होगा, 49 होगा, 47 होगा और 45 होगा। अब जो 50 है ये वो नंबर नहीं है, ये हमारी एवरेज निकल गई, पर एवरेज से हमें जो उन 6 नंबरों का पता चल गया। तो कैसे किया हमने, ये सम ऑफ 6 सक्सेसिव नंबर जो थे ऑड नंबर वो 300 दिए गए थे। एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम कर दिया डिवाइड बाय टोटल कर दिया, कितना आ गया, 50 आ गया। अब हमें एवरेज निकालनी है, ऑड एवरेज निकल गई हमारे पास 50, ये हमारे पास 50 है। अब इसके बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 51, और इससे पहले कौन सा ऑड नंबर आता है, 2, फिर 49 होता है। और हमें पता है ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है, प्लस 2 का होता है। 51 में प्लस 2 करेंगे 53, 53 में प्लस 2 करेंगे 55, और इसी तरीके से 50 में 49 में प्लस 2 करेंगे 50 या माइनस 2 कर दी जाए। तो ऐसे ऐसे हम 50 से पीछे भी चलेंगे, 50 से आगे भी चलेंगे, और वो ऑड नंबर जो है हम निकाल लिए। तो ये हमारे पास जो था सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर था। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे क्वेश्चन को जो हम जो है अच्छा बनाते जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन भी करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक है, ये जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फोर कंसेक्यूटिव नंबर ए बी सी डी इज 49.5। हमारे पास क्या दिया गया है, एवरेज दिया गया है फोर कंसेक्यूटिव नंबर, कौन कौन से वो कंसेक्यूटिव नंबर है, ए है, बी है, सी है और डी है, इनकी एवरेज दी गई है। बच्चों कितनी दी गई है, 49.5। तो 49.5 हमें इनकी एवरेज दी गई है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी, हमें इस बी का और इस डी का जो है वो प्रोडक्ट देखना है। तो हमें क्या दिया गया है, एवरेज जो दी गई है वो 49.5 है, और नंबर कितने हैं, फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख दिया मतलब वही नंबर जो एक के बाद एक आते हैं, तो हम 49 से आगे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 50 होगा, और इससे पहले जो नंबर होगा वो कितना होगा, 49 होगा, इससे पहले कितना होगा, 48 होगा, और इसके बाद कितना होगा, 51 होगा, और यही वो नंबर थे, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी, और प्रोडक्ट जो होगा बी और डी का हमें निकालना है। बी कितना है, 49 है, और डी कितना है, 51 है। तो 49 और 51 है, अब कैसे हम प्रोडक्ट निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ये 99 आ जाएगा। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, वो मल्टीप्लिकेशन की शॉर्टकट ट्रिक्स जो मैंने बोली थी अपनी वीडियो में मल्टीप्लिकेशन की, 9 1 9 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, 5 9 का जो हो जाएगा 45 + 9 जो हो जाएगा 9 आ जाएगा, ये 5 4 20 और 24 हो जाएगा। तो 4 × 4 का हमने एक जो है वो शॉर्टकट बोला था मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो उस तरीके से आप जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो कैलकुलेशन में फंसते हैं, तो मेरी वो शॉर्टकट वीडियोस है कि हम कैलकुलेशन कैसे जल्दी कर सकते हैं, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आईबीपीएस 2011 में पूछा गया है, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द एवरेज हाइट ऑफ 16 स्टूडेंट इज 147। हमारे पास जो है दिया गया है, क्या दिया गया है, पर्सन कितने हैं, पहले पर्सन मतलब स्टूडेंट जो हमारे पास है, स्टूडेंट जो है वो 16 है, और 16 स्टूडेंट की जो हाइट है वो 142 है। इफ द हाइट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड, अगर हम टीचर की भी हाइट जो है वो इंक्लूड कर देंगे, मतलब अब जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। द एवरेज हाइट इंक्रीजेज बाई 1 cm, तो इसकी वजह से एवरेज हाइट इंक्रीज हुई है। क्या कितनी हुई है, एवरेज हाइट जो इंक्रीज हुई है कितनी, 1 cm। अब ये जो दिया गया है यहाँ पर एवरेज हाइट, इसका मतलब क्या है, एवरेज का मीनिंग क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो हमने एक और पर्सन ऐड किया, जो टीचर ऐड किया
इसकी वजह से जो है हमारी जो हाइट जो इंक्रीज हुई है वो एवरेज में हुई है, और वो कितनी हुई है 1 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास टोटल कितने पर्सन हो गए, 17 पर्सन हो गए, और 17 पर्सन कौन कौन से होंगे, पहले की हाइट 142 होगी, 142 होगी, इस तरीके से हमारे पास 142 होगी, और लास्ट में जो हमने ऐड किया वो टीचर कर दिया ऐड, तो इस तरीके से हमारे पास 16 तो है और हमने एक और पर्सन ऐड किया, इसकी वजह से जो हाइट इंक्रीज हुई वो कितनी हुई, +1 हुई। मगर जो हाइट इंक्रीज हुई है वो एवरेज हुई है, तो इधर भी +1 होगा, इधर भी +1 होगा, इधर भी +1 होगा, तो यहाँ पर कितने हैं, ये 16 है, मतलब 16 बार +1 जो है इंक्रीज हुआ, और यहाँ पर कितनी हो गई, 143 हो गई। तो आपका आंसर कितना होगा, 143 प्लस 16, आप करके देखेंगे 143 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 159। आपका आंसर भी कितना होगा, 159 होगा। होपफुली जो है वो क्लियर हो गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अगर समझ नहीं आया एक बार वीडियो को जो पॉज करके दोबारा रिवाइंड कीजिए, जो है आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर कितनी होगी। तो पहली बात जो है प्राइम नंबर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम, मैंने बार बार कहा हर वीक से वीडियो में कि आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, अगर आपको प्राइम नंबर का ही नहीं पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है तो ये क्वेश्चन कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट प्राइम नंबर की जो है वो एवरेज लेनी है। अब मैं आपको बोल देता हूँ, जैसे कि हमारे पास जो है पहले 9 प्राइम नंबर जो है वो कौन कौन से होंगे, हमारे पास जो है जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, इस तरीके से हमने 9 जो है वो प्राइम नंबर लेने हैं और उनको डिवाइडेड बाई 9 कर देना है। तो जो भी सम होगा डिवाइडेड बाई 9 करेंगे वो आपका आंसर होगा। होपफुली जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन किए, क्योंकि हम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो पोस्ट है वो 10th लेवल की है। यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो पहली बार जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो आई विल रियली अप्रिशिएट यू इफ यू विल सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल होम अकेडमी एंड ज्वाइन अस ऑन अवर फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस। हैव अ ग्रेट डे। एंड वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और शॉर्टकट ट्रिक्स भी देखेंगे, मिक्सचर एलिगेशन से कैसे ये क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं, या और कोई डिफरेंट डिफरेंट मेथड जो है जिनसे हम ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एवरेज से रिलेटेड जो है कुछ वीडियो जो है ऑलरेडी भी चैनल पे अपलोड है। If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe our YouTube channel Home Academy and also press the bell icon so that you get notification of every video whenever we upload. Thanks for watching. Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your